लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे रोटी बनाते समय आटे में मिलाएं सौंफ और अजवाइन, सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम आटे में तरह तरह की चीजें मिलाते हैं। कोई आटे में नमक तो कोई चिली फ्लेक्स मिलाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आटे में जीरा, अजवाइन और सौंफ भी मिलाकर रोटी बनाते हैं। अगर आप आटे में सौंफ या अजवाइन मिलाया जाए फिर इस आटे की रोटी बनाई जाए तो ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सौंफ और अजवाइन सेहत के लिए बेहद लाभकारी हैं। इसके लिए आप आटा लें, उसमें अजवाइन और सौंफ का पाउडर मिक्स करें। जब आटे को गूंद लें और इसकी रोटियां बनाएं। इस तरह की रोटी खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आप भी नियमित रूप से रोटी बनाते समय आटे में सौंफ और अजवाइन मिला सकते हैं। रोटी बनाते समय आटे में मिलाएं सौंफ और अजवाइन। पहला उससे फायदा है, कब्ज और गैस से निजात मिलता है। कई लोगों को कब्ज और गैस की समस्या रहती है, ऐसे में कब्ज से आप चाहें तो कब्ज और गैस की निजात पाने के लिए सौंफ और अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप आटे में सौंफ और अजवाइन पाउडर मिलाएंगे और फिर इसकी रोटी खाएंगे तो इससे कब्ज और गैस से छुटकारा मिलेगा। रोजाना सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाने के लिए पाचन शक्ति दुरुस्त बनती है और कई समस्याओं से निजात मिल सकता है। दूसरा फायदा, एसिडिटी से छुटकारा। एसिडिटी की वजह से पेट और सीने में जलन होना आम बात है। अगर आपको एक गर्मी की वजह से एसिडिटी की समस्या हो रही है तो ऐसे में सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खा सकते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इससे शरीर की जलन को शांत करने में मदद मिलेगी। सौंफ पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। तीसरा फायदा है, डाइजेशन में फायदा है। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो तरह तरह के रोग पैदा होने लगते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए डाइजेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कई लोगों को डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। अगर आपका पाचन कमजोर है तो आटे में सौंफ और अजवाइन को मिलाकर रोटी बनाएं। इस रोटी को खाने से आपका डाइजेशन मजबूत होगा और कई समस्याएं दूर होंगी। डायबिटीज रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद है रोटी। सौंफ और अजवाइन डायबिटीज रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो अपनी रोटी में सौंफ और अजवाइन मिलाकर जरूर खाएं। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। सौंफ और अजवाइन खाने से डायबिटीज रोगियों की पाचन शक्ति भी सही रहेगी और स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। त्वचा के लिए लाभकारी, सौंफ और अजवाइन सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। अगर आप नियमित रूप से सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाएंगे तो इससे त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। दरअसल सौंफ और अजवाइन शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।